तो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा, पिछले वाले एपिसोड में मेरे को एक गंदा सा फेस दिखा और उसके बाद मैं आसमान पर टेलीपोर्ट होकर मर गया। तो अब आप देखने वाले हो आगे क्या हुआ। अभी मैं मरा कैसे यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ओके, तो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो गाइस, मैं फाइनली रिस्पॉन्ड हो चुका हूँ और चलो आगे चलते हैं। ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ रिस्पॉन्ड हो चुका हूँ गाइस। नीचे कुछ दिख रहा है मेरे को। अच्छा, ये कोई, मैं समझ गया, ये कोई ट्रैप है। ये आई एम श्योर ये कोई ट्रैप है और ये मेरा सर्वर नहीं है जहाँ पे मैं खेलता हूँ। ये वो जगह नहीं है, ये मैं एकदम श्योर हूँ, क्योंकि ये हमारा स्पॉन पॉइंट नहीं है। अगर मैं नॉर्मल स्पॉन होता तो मैं बेड पर स्पॉन होता, यहाँ पर नहीं स्पॉन होता। बस आई एम श्योर कि ये स्मार्टिक्स जीआरपी ने नहीं किया होगा, क्योंकि उसके बाद सर्वर का मतलब कुछ कमेंट वमेंट उसको करने का एक्सेस नहीं है। तो ये मतलब कोई ऐसा बंदा कर रहा होगा जो मतलब सर्वर का एक्सेस जिसके पास है, और मेरे सर्वर का एक्सेस किसी के पास नहीं है। तो गाइस छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, इसको तोड़ते हैं। ओके, तो तोड़ो इसे। और मैं स्लाइम के ऊपर लैंड कर चुका हूँ। लो, तो मैं स्लाइम के ऊपर लैंड कर चुका हूँ और यहाँ पे मेरे साथ एक मुर्गी भी है जिससे मैं खाना ले सकता हूँ। मेरे को भूख लगी है, मुर्गी मेरे को खाना दे। तो इस, अरे यार, यहाँ पे स्लाइम के ऊपर मैं कितना स्लो चल रहा हूँ, इसको मैं जल्दी से खा लेता हूँ, क्योंकि मेरा हंगर बार दो जो था अब एक हो चुका है। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करना होगा। तो मेरे को कुछ भी करके ऐसे निकलना होगा बस। इस कुछ इसको मैं तोड़ भी नहीं सकता, ये देखो, इसको मैं तोड़ नहीं पा रहा। मैं माउस को क्लिक कर रहा हूँ, आपको आवाज़ आ रहा होगा, ये देखो, पर ये कुछ नहीं हो रहा। मतलब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ पर मैं इसको तोड़ नहीं पा रहा। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई ब्लॉक तो एक होगा जिसको मैं तोड़ सकता हूँ, उसको पहले मैं यहाँ को ढूंढना है। क्योंकि अगर कोई बंदा ये जानबूझ के करेगा मेरे को मारने के लिए, तो वो यहाँ पे स्लाइम नहीं लगाता, या मेरे को बचाना चाहता है इसलिए यहाँ पे स्लाइम लगाया है। इसका मतलब यहाँ से निकलने का भी कोई रास्ता तो होगा। अच्छा, ये मैं इसको तोड़ सकता हूँ, ये देखो गाइस, इसको मैं तोड़ सकता हूँ, इस ब्लॉक को। ये कोयल का ब्लॉक है, धीरे टूटेगा, पहले इस वाले ब्लॉक को तोड़ दे। ओके गाइस, ये टूट रहा है, फाइनली ये टूट चुका है, अब इसको भी तोड़ते हैं। मैं अभी तक तोड़े ही जा रहा हूँ, और वैसे मेरा स्किन भी नहीं आ रहा। मतलब ये कोई दूसरा वर्ल्ड है जहाँ से मेरा स्किन भी। अच्छा, ये इस साइड का ये टूट रहा है ये देखो। अच्छा, यहाँ पे चेस्ट भी है, इस साइड का स्लाइम भी टूट गया। यहाँ पे एक चेस्ट है, इसको तोड़ना पड़ेगा जल्दी। ओके, तो ये टूट रहा है, इसको मैं जल्दी से जल्दी खोलता हूँ चेस्ट को। उसके बाद उसके अंदर से कुछ ट्रेजर वगैरह होगा शायद, जिससे मैं बाहर निकल सकता हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पे एक पिकैक्स है। वैसे पिकैक्स का क्या फायदा, इस साइड की चीज़ें मैं तोड़ सकता हूँ, मतलब उस साइड की चीज़ें मैं नहीं तोड़ सकता। इसका मतलब मैं ये भी तोड़ सकता हूँ, ये देखो गाइस, मैं ये तोड़ सकता हूँ, इसलिए अब मैं बाहर जा सकता हूँ इजीली। ये देखिए गाइस, पूरा मैंने तोड़ दिया है। अच्छा, क्या मैं ऐसे बाहर जा सकता हूँ, इसको प्लेस कर करके, यहाँ पे प्लेस करके। अच्छा, मैं ऐसे बाहर जा सकता हूँ एक स्टिक के ऊपर से, बहुत ही नैरो है। मतलब अगर एक भी मेरा मतलब थोड़ा सा भी मैं हिला तो मैं गया। ओके, कंट्रोल दबा के। तो गाइस, मैं फाइनली बाहर आ चुका हूँ, और ये कुछ तो गड़बड़ वाली जगह है। ये कौन सी जगह है वो मेरे को कुछ भी नहीं पता। ये कौन सी जगह है गाइस, ये मेरा वर्ल्ड नहीं है। कुछ भी करके मेरे को मेरे वर्ल्ड पे जाना होगा। इस साइड पे चलते हैं। ओके, तो सीधा चलते हैं अभी। मेरे को जल्दी जल्दी पेड़ काटना होगा, शायद फिर से पहले से शुरू करना होगा। अबे यार, शीप दिख के मेरे को, पहले शीप को मार लेता हूँ। दो शीप मिल चुके हैं।
इसको पहले मैं मारता हूँ। अरे शीप भाग रहा है, देखो गाइस इनको, इसको मैं पहले मारता हूँ। मेरे पास डायमंड का पिकैक्स है, डायमंड के पिकैक्स से मारता हूँ, क्योंकि शीप रेयर होती है। मतलब जब हम जब तक हम हमारा पहला बेड नहीं बनाते तब तक शीप बहुत ही रेयर होते हैं, उसके बाद तो शीप दिखते ही रहते हैं। इसलिए जब अगर आपको पहले शीप दिख जाए तो उसको मार लेना। मेरे पास अभी 3 मटन भी हो चुके हैं, रॉ मटन। और मैं थोड़े मेरे टूल्स भी बना लेता हूँ जल्दी। पूरा पहले से माइनक्राफ्ट शुरू करना पड़ रहा है, ये क्या हो रहा है भाई। मेरे को तो पहले लग रहा था कि मैं स्मार्टिक्स को कॉल करूँ, उसके बाद वो मेरे को यहाँ से ले जाएगा, पर मेरे को भी समझ आया कि ये मेरा सर्वर ही नहीं है, मैं यहाँ पे वर्ल्ड बनाया ही नहीं मेरा। तो भाई देखो मेरे को यहाँ पे ट्रीज मिल चुके हैं, तो मैं जल्दी मैं टूल्स बना के आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मेरा ऑलरेडी 6 हो चुका है वुड, और ये 7 भी हो गया। और मैं यहाँ पे एक 3 व्हाइट वुल हो चुके हैं मेरे पास, क्योंकि मैं एक बार साइड में मेरे को शिप दिखा तो मैंने शिप को मार लिया। तो अभी इसको मैं जल्दी जल्दी क्राफ्टिंग टेबल पर रखता हूँ, उसके बाद जितना हो सके उतना मैं लेता हूँ। और गाइस वैसे ये पॉकेट एडिशन है और इसको मैं लैपटॉप पे खेल रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे येलो वाला एरो है, इसको मैं एमुलेटर पे खेल रहा हूँ। क्योंकि जावा एडिशन पे मेरा जो सर्वर है वो जावा एडिशन पे नहीं है, वो वहाँ पे है, मतलब पॉकेट एडिशन पे। इसलिए आपको मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है मेरे को। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ। मेरे को और पिकैक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी पिकैक्स है, तो मैं जल्दी जल्दी एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक क्राफ्टिंग टेबल आ चुका है अब है। तो पहले मेरे को फर्नेस भी बनाना होगा, ताकि मैं मेरे पास जितने सारे मटन है उसको मैं कुक्ड मटन में कन्वर्ट कर सकूँ। इसलिए पहले मैं थोड़े से स्टिक्स बना लेता हूँ। गायक्स मेरे पास अभी मेन जो है पिकैक्स है मेरे पास, इसलिए इन सब की मेरे को ज़रूरत नहीं है। गाइस ये क्या हुआ, मेरे साथ में मर चुका हूँ यहाँ पे, मैंने नोटिस नहीं किया। और मेरे पास स्लाइम भी था, मैं क्लच भी कर सकता था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ यार। तो फिर से रिस्पॉन्ड करके फिर से सब कुछ शुरुआत करना होगा। ओके देखो इतना गंदा वाला ये साउंड आता है ना जब ये इसका फेस दिखता है। तो ओके गाइस ये देखो मेरा वर्ल्ड है, ये आ चुका हूँ यहाँ पे। देखो मैं, अच्छा इसका मतलब सपना था, मैं बेड के सामने स्पॉन हुआ हूँ, इसका मतलब सपना था। और मेरा इन्वेंट्री भी पूरा मेरे पास है, जब हम मरते हैं कोई भी वर्ल्ड पे तो हमारा इन्वेंट्री पूरा क्लियर हो जाता है, पर यह अगर मेरे पास मेरा इन्वेंट्री भी है, इसका मतलब ये एक सपना देख रहा था मैं। मेरे को एक बार चेक करने दो बाहर जाके। तो कैसे सच में एक सपना था गाइस, ये क्या हो रहा था मेरे साथ। ये सपना बहुत ही गंदा सपना था गाइस, ये क्या क्या होते रहते हैं माइनक्राफ्ट पे। मेरे पास मेरा आर्मर भी है क्या, मेरे को देखना पड़ेगा। ये देखो गाइस मेरे पास मेरा आर्मर भी है, क्या ओपी लग रहा है गाइस ये वाला स्टैचू। तो इस माइनक्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते जा रहा है, शायद मेरे सर्वर पे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है एवरलैंड्स पे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ देख लाइक सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसलिए वीडियो को भी शेयर कर देना। बहुत डेंजरस था ये भाई, जब मैं मरा ना मेरा हार्ट एकदम मतलब पैनिक सा हो गया था मैं भाई, बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं पूरा डर गया था। तो गाइस आज के लिए बस इतने, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।